हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके हमारे चैनल ई सरकारी एग्जाम में फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एरसो यूपीएससी वेरियस पोस्ट ठीक है तो फ्रेंड ये रॉन्ग टाइप हो गया ये होना चाहिए था इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूर यू आर राव सेटेलाइट सेंटर एंड इसरो ठीक है तो इसकी पोस्ट आई हुई है फ्रेंड्स ये कब आई है फेबररी टू को बोले तो टेंथ फेब्रवरी से ये स्टार्ट होने वाली है ठीक है और लास्ट डेट है फ्रेंड्स फर्स्ट मार्च सो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसरो के बारे में ही जो इंडिया की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है और अभी जिसने हाल ही में चंद्रयान थ्री लॉन्च किया था ठीक है तो उसकी रिगार्डिंग वैकेंसी है ये फ्रेंड्स ठीक है तो आप देख सकते हैं कि अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो दस तो दो दो हज़ार चौबीस को स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स ठीक है अप्लीकेशन भी फ्रेंड्स जो है आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए सेवन फिफ्टी है और अन के लिए टू फिफ्टी और एस सी के लिए ज़ीरो रुपीज़ है फाट टेक्नीसियन बी एंड अदर पोस्ट के लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ है ठीक है और उसमें यदि हम बात करें अन के लिए तो हंड्रेड रुपीज़ है टेक्नीसन की बात किया है ऊपर इंजीनियर और साइंटिस्ट की बात किया है फ्रेंड्स ठीक है तो आइए और डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में जो मिनिमम एज है वो एटीन ईयर्स है या मैक्मम एज ट्वेंटी एट ईयर्स है ठीक है फ्रेंड्स पोस्ट कोड जीरो जीरो थ्री एंड जीरो जीरो फोर मैक्सीम एज थर्टी ईयर्स पोस्ट कोड जीरो जीरो वन जीरो जीरो टू मैक्मम एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स फॉर फायर मैन ए मैक्सिमम एज थर्टी फाइव ईयर्स फॉर ऑल अदर अब सबसे बड़ी चीज है कि इसमें नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नोटिफिकेशन का भी ठीक है तो टोटल देख लेते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है इसमें पोस्ट का नाम भी देख लेते हैं इसमें तो साइंटिस्ट इंजीनियर सी की बात किया है तो इसमें पोस्ट जीरो जीरो वन कोड दिया हुआ है ठीक है इसके लिए टोटल पोस्ट दो आई हुई हैं ठीक है इंजीनियर साइंटिस्ट के लिए फ्रेंड्स इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन है कंपलसरी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स ठीक है साइंटिस्ट इंजीनियर सी के लिए ठीक है तो एम एस सी डिग्री मैथमेटिक्स ठीक है तो कंपलसरी इसमें मास्टर की डिमांड की टेक्नीशियन बी की बात किया क्लास टेंथ मैट्रिक एग्जाम विथ आई टी आई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड तो टेक्निकल बी की भी बात किया तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो उसके लिए आपको आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और टेंथ पास होना चाहिए अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स ठीक है उसमें फ़ीस जो है पाँच सौ रुपये जैसे हमने ऊपर बताया था ठीक है तो उसमें टेक्नीशियन की डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड है आप देख सकते हैं कैसे फिल करना है उसके लिए हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है तो पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं तो ये हो गई आपकी पूरी डिटेल्स ठीक है फ्रेंड्स अब हम चलेंगे नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन खुल चुका है ठीक है तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो भी आपको देखना हो जानना हो समझना हो तो आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं जो ये तो ओवरव्यू मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ था ठीक है जो प्री एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी एस फर्स्ट क्लास वो भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ देख लेते हैं कुछ नई चीजें देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी नाइन प्लस हो होकर ड्राफ्ट मैन की बात किया है तो इसके लिए वैकेंसी देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या वैकेंसी है केमिस्ट्री में फिजिक्स में एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में मैथमेटिक्स में ये सारी वैकेंसी देख सकते हैं और इसमें पे स्केल देख सकते हो साइंटिस्ट इंजीनियर ठीक है एटीन टू थर्टी ईयर्स लेवल टेन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पर हंड्रेड ठीक है एडमिसिबल अलाउन्स भी मिलेगा ठीक है एटीन टू ट्वेंटी एट ईयर्स तक लेवल टेन की बात किया लेवल सेवन में फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड टेक्नीशियन के लिए फ्रेंड्स मिलेगा आपको लेवल थ्री ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड उसमें भी आपका लेवल टू की बात किया तो नाइनटीन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मिलेगा ठीक है नाइन्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड हाउ टू अप्लाई ठीक है तो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट पोस्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स ठीक है आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितने क्वांटिटी में अब अवेलेबल होना चाहिए वो भी आप देख सकते हो ठीक है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो इसके बाद अगर आप अपेयरिंग में अप्लाई करते हो तो ये सारे इश्यूज़ नहीं आने चाहिए पेमेंट अप्लीकेशन फीस फ्रेंड कैसा होना चाहिए नॉन रिफंड्लीकेशन फी टू फिफ्टी रुपीज़ होना चाहिए फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर एस के लिए ठीक है और इसके बाद साइंटिस्ट बोले तो एस तो इनिशियली कैंडिडेट हैव टू इनफॉर्मली पे सेवन फिफ्टी रुपीज़ ओके देयर इज नॉन रिफंडेबल अपलिकेशन फी फॉर रुपीज़ हंड्रेड ठीक है

एंड पी डब्ल्यू एक्स्यूशन आफ्टर डिडेक्टिंग द अपलिकेशन फिन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स ओके फॉर अंटिस्ट इंजीनियर एस सी एस सी टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक एंड फोर हंड्रेड फॉर टेक्निकल ड्राफ्ट मैन कुक फायर मैन लाइट व्हीकल ड्राइवर हैवी व्हीकल ड्राइवर विल बी रिफंडेड मतलब आप यदि पेमेंट करते हो तो सौ रुपये उसमें से आपको कट कर लिया जाएगा बाकी पैसा रिफ़ंड किया जाएगा रिफंड कैसे और भी कंडीशन उसने दिया अप्लाई कर दिया कि किस कंडीशन में वो फीस आपकी रिटर्न की जाएगी ठीक है तो आप सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा ये दे सकते हैं कि पार्ट ए पार्ट बी ठीक है ये डिस्क्रिप्शन टोटल मार्क्स सिक्सटी मार्क्स रहेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन एम रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्सटी रहेगा ठीक है पैटर्न की बात किया उसने तो वो भी देख लेते हैं ठीक है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर और साइंटिस्ट एम एस बेस्ड की बात किया है ठीक है पार्ट ए बी सी तीन टाइप में एग्जाम होंगे ठीक है जिसमें आपका सब रिटर्न टेस्ट रहेगा और कंडीशन क्या है पास होने की वो चीज़ हम इसमें डिस्कस किए हैं इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहेगा वन रेशियो फाइव विद इन द मिनिमम टेन कैंडिडेट्स ठीक है एम टेक के लिए रिटर्नश टेस्ट क्या रहेगा वो भी देख सकते हो एम एस सी के लिए क्या रहेगा ठीक है तो अब हम देखते हैं कि अगर सिलेबस दिया होगा तो और अच्छी बात है ओके पार्ट ए में क्वेश्चन जो अगर रहेगा क्या रहेगा किस टाइप किस टाइप के कैंडिडेट के लिए अपलिकेंट के लिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो इम्पोर्टेंट है ठीक है फ्रेंड्स तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कुक सिक्सटी एम सी क्यू वन पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है कुक के लिए कैसा रहेगा ठीक है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन इसमें देख लिए हम लोगों ने अभी देख लेते हैं कुछ खास नोटिफिकेशन अगर दिया हो तो बाकी तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेट ये सब मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग दिया जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो दिया गया है ठीक है फिजिकल भी टेस्ट इसमें देखा जाएगा आपका फ्रेंड्स ये पूरा इसरो के बारे में जानकारी जो फॉर्म निकला है फ्रेंड्स ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स